जगह पे भी हमारे ऐसे खूबसूरत लोग, आर्टिस्ट लोग, जो म्यूज़िक लवर हैं, जो म्यूज़िक की साइंस को समझते हैं, ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पे भी कुछ ही देर बाद कव्वाली स्टार्ट हो जाएगी। जैसे नहीं है, एक होता ना बड़े भाई जैसा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है, बड़े भाई हैं मेरे। और जाफर साहब जो है हमारे मौजूद हैं। आज का जो मेरा ये वीडियो है ना, बेसिकली व्लॉग तो है ही है, लेकिन सिटीज़ एक्सप्लोर करता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे। बट इस वीडियो में कुछ एक्सप्लोर करने वाला नहीं हूँ मैं। बेसिकली जाफर साहब हैं, इनके यहाँ हम आए हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। मैं जब मेन सिटी से अंदर इंटर हुआ ना गुजरात से, तो मैंने देखा गुजरात जैसा ये गांव मुझे दिख रहा है, जो गुजरात शहर पे ऑब्वियसली बहुत देखने लायक होगा। थोड़ा आपको मैं व्यू देता हूँ कि आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी पुरसकून जगह है। अयाज भाई के बारे में थोड़ा सा अपने एंड से भी ऐड करता जाऊँ। अयाज भाई, क्या बात है इनकी, मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि ये जिस तरह के इंसान हैं, मतलब मैं ये समझता हूँ जितना मैं आज तक जान पाया हूँ उन्हें, कि रिश्ता जैसा भी हो इनको बहुत अच्छे से निभाना होता है। बाकी अयाज भाई से मुलाकातें हमारी बिल्कुल रहेंगी, आगे भी रहेंगी, और आप देखते रहेंगे हमारे वीडियोज़ में, हमारे व्लॉग्स में इनको आगे आगे। और आज के व्लॉग में डेफिनेटली हमारे साथ है ही है ये बड़े भाई, ये बहुत सारे सामने कैसे क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने जाफर साहब के छोटे बड़े भाई हैं, सॉरी बड़े भाई हैं, ये छोटा भाई है। अच्छा छोटे भाई, कैसे हो? ठीक है। दोस्तों की गैदरिंग है और दोस्त अभी कुछ आ भी रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ टाइम तक जो है वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। जाफर साहब की रहायशगाह पे मौजूद हैं। ये छोटा सा बाग बनाया हुआ है, क्या क्या लगाया हुआ है यहाँ? ये रेड बुलेट का पौधा है, मौसमी है, माल्टे हैं, अमरूद हैं, लुकाट हैं। अंदर जाके देखते हैं। अंदर जाके देखते हैं।
देखते हैं क्या ये लगाया हुआ जाफर साहब ने। ये क्या चीज़ है? ये माल्टा है। अच्छा ये माल्टा है। ये रेड ब्लड है। हाँ सब वो शुगर पेंशन के लिए नहीं होता शुगर। वेरी गुड। ये सारे वही हैं सेम? हाँ ये वही हैं। वो अब आगे भी माल्टा है। ये वो मौसमी है। अच्छा ये वो का पौधा है। ये बोला जो सुखड़ गया बेचारा। सबसे अच्छी बात आपको बताएं हम रिकॉर्ड बताते हैं। कच्ची है ना अभी? हाँ अभी कच्ची है। जबरदस्त। ये आम का पौधा है। ऐसे गांव में आओ तो ये चीजें देखने वाली होती हैं। वेरी गुड। कच्ची है। हाँ ये लगी हुई भी है। हाँ कच्ची है ये भी? हाँ अभी कच्ची है। जबरदस्त। ये भी लुकाट है। हाँ ये भी लुकाट है। ये हमारी नाशपाती है। अच्छा ये नाशपाती है। जबरदस्त। ये घर हैं सारे? हाँ ये घर हैं। ये सारे जाफर साहब के घर हैं यहाँ पे? हाँ जी देखें। बाकी ये वीडियो ऐसा ही है इसमें। ये भी वही पौधे हैं सारे जैसे आम हैं दुकान। ये भी एक बाग की बैक साइड है। चीड़ का पौधा है। अच्छा वो बड़े वाला? हाँ जी। तकरीबन इसे 30 साल हो गए इस चीज़ इसको। हाँ जी 30 साल पुराना दरख्त है। वाह क्या बात है। इसका साइज देखे ना। हाँ ये खजूर है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि आपको म्यूज़िक का शौक है। हाँ जी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक। ये आप हर साल ये ऑर्गेनाइज करते हैं? हाँ जी हर साल। कितने साल से करते आ रहे हैं सारा अपना? ये 7-8 साल हो गए हैं। अभी खाना खा के फ्री हुए हैं और चाय खाने के बाद तो पता ही है कि चाय तो ज़रूरी होती है। ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ में भी कुछ ही देर बाद कव्वाली स्टार्ट हो जाएगी। खान साहब बैठे हैं। तो सर इसका क्या काम होता है बेसिकली? साउंड सारा इसी में जो वोकल आपका होता है? वोकल है। वोकल में क्वालिटी है। फिर शार्पनेस है, बेस है, मिड वाइज। अभी खान साहब तैयारी कर रहे हैं अपनी। क्या कहना है? जंजली दी
के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं कि क्या है इस बारे में हिस्टोरिकली थोड़ा सा। तो बस छोटा सा शहर, छोटा सा कस्बा सा ही है, कोई मेरा ख्याल है कि 2-3 यूनिट ऑप्शन है हाँ, लेकिन मशहूर है ये होम बेस्ड जो इंडस्ट्री है छोटी, फ्लोर मैट्स यहाँ के बड़े मशहूर हैं, और यहाँ पे है सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड है यहाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये शुरू से ये DT रोड के ऊपर बात क्या ये रास्ता रहा है, काफले आते जाते रहे, सारी की तौर पर पौधे आती जाती रही, उनका एक बड़ा होता ये रहा है, ये है गच्छर। और ये गुजरांवाला DT रोड है, अभी हम लाहौर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये वजीराबाद और गुजरांवाला के दरमियान में है। फाइनली जूस आ गया, काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, सुबह सुबह समझ लें कि नाश्ते ही कर रहे हैं, और इससे बेहतर जो है मेरे ख्याल से और कोई चीज़ नहीं हो सकती उठते ही अगर आप जूस लेते हैं तो। अभी हम लोग गुजरांवाला में एंटर हो चुके हैं, और अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुकेंगे, कुछ पेड़ पूजा करेंगे। छोड़ रहे हैं हम लोग।